गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फर्स्ट एंड दिस इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 हैज़ हैव हैड. इसका हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली है और जो मैं आज आपको वर्क बताने जा रही हूँ ये सारा वर्क हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं. तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी नोट्स कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट, क्लास वर्क और होमवर्क में आपको अपनी सिर्फ नोट्स कंप्लीट करनी है. आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में अपनी नोट्स कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो आप स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर 14 हैज़ हैव हैड. आप नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में हेडिंग राइट करेंगे और उसे स्केच पेन से अंडरलाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होगा वर्ड मीनिंग. ही हैज़ हैव हैड मीन्स होता क्या है, ठीक है? आप वर्ड मीनिंग राइट करोगे हैज हैव हैड की. देन इन नेक्स्ट पेज आप नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज पे राइट करोगे यूजेस ऑफ हैज हैव हैड. हैज हैव हैड का यूज हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट, मैं ये आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, बोर्ड पे पढ़ा चुकी हूँ. सो आज आपको सिर्फ इसका नोट्स लिखना है, ठीक है? हैज का यूज हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं. हैव का यूज हम आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ करते हैं. और हैड का यूज हम हैज और हैव का यूज प्रेजेंट के लिए करते हैं और हैड का यूज पास्ट के लिए करते हैं. तो हैड का यूज हम ही शी इट यू वी दे और बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के साथ करते हैं. ओके एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज आपका होमवर्क है, लेकिन आप करोगे इसे अपने इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में ही, जहां पे अभी आपने क्लास वर्क का वर्क किया था उसी के आगे. नेक्स्ट न्यू पेज में आप डेट और डे मेंशन करोगे, देन फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज हैव और हैड. हैज हैव और हैड का यूज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश मैनी फ्रेंड्स. आई के साथ क्या लगाता है, क्या लगता है? हैव. तो हमने यहाँ पे फिल किया हैव. सेकेंड, द बर्ड डैश रेड विंग्स. यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, बर्ड है, क्यों? एक सिंगल बर्ड है. सिंगल बर्ड है मीन्स एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज. अगर यहाँ पे बर्ड्स होता तब हम यहाँ पे हैव यूज करते. ओके थर्ड, वी डैश अ बिग हाउस व्हेन आई वाज अ किड. मीन्स ये पास्ट की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है. तो पहले के लिए मैंने क्या बताया था, क्या लगेगा, हैड. तो हमने यहाँ पे यूज किया हैड. नेक्स्ट, ही डैश अ न्यू कार. ही के साथ क्या फिल करते हैं हम, हैज. नेक्स्ट, दे डैश ब्यूटिफुल रोजेज. दे के साथ क्या लगाएंगे हम हैज हैड में से, हैव. तो हमने यहाँ पे फिल किया हैव. नंबर 6, इट. इट के साथ हम क्या लगा देंगे, इट सिंगुलर नाउन है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के साथ यूज होता है, तो इट के साथ हम लगाएंगे हैज 4 लेग्स. नेक्स्ट, शी डैश फीवर यस्टरडे. यस्टरडे मीन्स जो कल बीत गया उसकी बात हो रही, मीन्स पास्ट की बात हो रही है. तो जहाँ पास्ट की बात होती वहाँ हम क्या लगाते हैं, हैड. तो हमने यहाँ पे शी के साथ लगाया हैड. क्लियर स्टूडेंट? सो आपको रूल्स और वर्ड मीनिंग ये आपको क्लास वर्क में करना है और फिल इन द ब्लैंक्स आपको होमवर्क में करना है. ओके okay?